आदमी लोग एक एक घंटा इंतजार करके निकलते हैं, लगभग हाफ किलोमीटर तक आगे पीछे गाड़ी खड़ा रहता है। ये हरा मिर्च भी डालते हैं? हाँ, हरा मिर्च भी डालते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? और ऐसा टेस्ट अभी नहीं है यहाँ से लेके भागलपुर तक। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको लेके आ चुके हैं फिर से एक नए जगह पे। फिलहाल अभी हम हैं कहाँ पे, अभी हम हैं बांका जिला में, और बांका में एक होटल है जो कि काफ़ी फेमस है और एक दिन में यहाँ पे 70 से 80 kg मटन सेल भी होता है। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं पंचवटी लाइन होटल। सुनने में है कि यहाँ का जो मटन होता है काफ़ी बढ़िया होता है और बढ़िया तरीका से बनाया भी जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का फुल रेसिपी, कैसे कैसे भैया यहाँ पे बनाते हैं मटन और कैसा टेस्ट होता है। भैया जो है इधर सवेरे सवेरे जो है प्याज काट रहे हैं। प्याज काट रहे हैं? कितना प्याज है अभी भैया जी? ये 30 किलो काटना पड़ता है डेली। 30 किलो डेली काटना पड़ता है जी? वैसे ही 30 किलो प्याज को छीलने में कितना टाइम लग जाता है? शाम में ही छील लेते हैं। अच्छा, सुबह में स्टाफ लोग लेट से आता है जी इसके लिए। अच्छा, नया कंटर को फाड़ रहे तेल वाला? हाँ, तेल का नया टीन। अच्छा, टीना से जो है तेल कर लेते हैं डब्बा में? डब्बा में नाप के उसके बाद डालते हैं। ये देखिए कितना तेल जाता है इसमें कढ़ाई में। 12 किलो 13 किलो ऐसे, जैसे जितना मीट रहे। अच्छा, उसी अनुसार। आज कितना जाने वाला है? आज इसमें 13 किलो तेल जाएगा। 13 किलो? हाँ। अच्छा, ये आ गया 5 किलो क्या? हाँ, 5 किलो हो गया। अच्छा, फिर से जो है इधर तेल को नापा जा रहा है। नीचे में तेल डाल के कढ़ाई में फिर चूल्हे पे चढ़ाते हैं। वैसे कढ़ाई जो है आप देख सकते हैं काफी बड़ा है और मोटा भी काफी है। हाँ, तो अब जा रहा है फाइनली कढ़ाई चूल्हे के ऊपर। ये देख सकते हैं काफी मेहनत लगता है इसको चढ़ाने में ना। हाँ, थोड़ा सा भी छूटा तो गया तेल। तेल अभी हो गया। अच्छा, ये पत्ता डाल रहे ना? तेजपात डाल रहे हैं। अच्छा, मतलब पहला फोड़न जो है वो तेजपात ही होता है। प्याज? प्याज डाल रहे हैं इसमें। अच्छा, इस बर्तन में कितना प्याज था? 5 kg एक में आता है। अच्छा, ये आ गया 5 kg। जैसे प्याज डाले उबाल कितना तगड़ा आ रहा है, पूरा उबलने लगा प्याज इसमें ना। हाँ, गरम तेल है, पता चल रहा है कि तेल जो है पूरा हीट हो गया। अब जा रहा है ये दूसरा बर्तन से प्याज, ये देख सकते। अच्छा, इस प्याज को गलने में कितना टाइम लग जाता है भैया? 1 घंटा। 1 घंटा सिर्फ गलाते हैं? 3 घंटा लगता है मीट बनने में। इतना बड़ा कढ़ाई है कि 30 किलो इसमें प्याज पूरा समा जाएगा। समा जाएगा। अच्छा, ये हरा मिर्च भी डालते हैं? हाँ, हरा मिर्च भी डालते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे टेस्ट आता है। अच्छा, और फोरन भी हो गया। अच्छा, ये मटन जो बन रहा है कितना घंटा में खत्म हो जाएगा? ये आज संडे है ना। हाँ। आज 1-1.5 बजे तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज पुलिस का ज्यादा भीड़ रहता है संडे को। अच्छा, फैमिली ग्राहक भी ज्यादा आता है। तो आज सब कोई छुट्टी में रहेंगे? हाँ। तो ज्यादा यहाँ पे आएंगे? पंचवटी ही आएंगे। हाँ, मीट खाना होगा तो पंचवटी आएगी। नमक थोड़ा दे दिए। अच्छा, प्याज गलने के लिए डाल रहे हैं? हाँ, स्वाद के अनुसार अभी नहीं जाएगा? नहीं नहीं, ये प्याज गलने के लिए। जिस टाइम प्याज डाला गया था पूरा कढ़ाई जो है प्याज से ही फुल हो गया था। हाँ। और अभी कम से कम 20 मिनट भूनने के बाद जो लाल होगा, लाल हो गया है। हाँ, अभी 15-20 मिनट लगेगा प्याज गलने में। पीस वगैरह छांट रहे हैं ना? चर्बी अलग, लेग पीस अलग। अच्छा, वो चर्बी जो है उबाल के देंगे। दूसरा कढ़ाई चल रहा है बाहर वाले चूल्हे पे। अच्छा, इसमें क्या बनाइएगा? इसमें भी मीट बनेगा। अच्छा, वो कढ़ाई छोटा पड़ गया क्या? उसमें 60 किलो बनेगा, 10 किलो इसमें बनेगा। आज संडे है, बहुत भीड़ रहता है। बहुत भीड़ रहता है। 1 बजे तक मीट खत्म हो जाता है। अभी टोटल कितना मटन है? 70 किलो। अच्छा, 70 किलो मटन जो कि 60 kg इस कढ़ाई में बनेगा, और 10 किलो उधर बगल में जो कढ़ाई में बनेगा उसमें बनेगा। हाँ, पूरा प्याज लाल हो गया। पूरा गल गया प्याज ना? अभी और बचा हुआ गलने के लिए? हाँ, वो तो गलन गल जाएगा। अच्छा, सारा मटन चल जाएगा उसमें? सारा मटन चल जाएगा। अच्छा, ये देखिए पूरा उठाया जा रहा है और फ्रेश करके इस मटन को जो है डाला जा रहा है। इसमें हर एक तरीके का पीस होता होगा? सब तरह का। ये भैया अभी कितना खसी का माल है? ये लगभग 4-5 खसी होगा। 4-5 खसी का? अच्छा, हमेशा इसी तरीके से मटन यहाँ पे बनाया जाता है? डेली इसी प्रकार जैसे अभी बनाया जा रहा है। हाँ।
रेट वगैरह क्या हो जाता है? दो पीस मीट और चावल 180 का है। अच्छा। तीन पीस मीट चावल 250 और चार पीस मीट चावल 320। पार्सल आप ले जाइएगा घर मीट तो 70 रुपया पीस है। जब मटन डाला गया तो आप कढ़ाई लवालव होने वाला है। हाँ। अब इसको कितना टाइम तक भूंजा जाएगा? कम से कम एक घंटा। एक घंटा आप भूंजिएगा वो तेल में। इसको 5-7 खस्सी का मटन जो है इसमें समा गया है ना। उधर भी मटन देख सकते हैं बनाया जा रहा है और इधर भी देखिए कस्टमर आने लगा है ना। अभी मटन बना भी नहीं है लेकिन कस्टमर जो है ना शुरू हो गया है। आदमी लोग एक एक घंटा इंतजार करके निकलते हैं। वैसे जब खाने का टाइम होता होगा तो पूरा मतलब रोड भर जाता है, चार चक्का टू व्हीलर एकदम पूरा भरा हुआ रहता है। लगभग हाफ किलोमीटर तक आगे पीछे गाड़ी खड़ा रहता है। मटन चला गया ना अंकल जी? अब जो है कढ़ाई पूरा लवा लव फुल हो गया। अच्छा, इसमें पानी उनी नहीं डालते हैं क्या? ना, बिना पानी का मटन बनता है? कब से यहाँ पे मटन बना रहे हैं? कम से कम 7 साल हो गया। 7 साल से आप बना रहे हैं यहाँ पे? आग के पास कैसे रह के मटन बना लेते हैं 2-3 घंटा? फ्री में पैसा कोई देता है जब तक काम नहीं कीजिएगा? फ्री में तो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी काफी गर्मी लगता होगा यहाँ पे ना? बहुत ज्यादा गर्मी। सलाद के लिए चिलाया है प्याज। अच्छा, पूरा ये सजा दिए सलाद के लिए? ये सब सलाद में चला गया। कितना केजी सलाद में जाता है प्रत्येक दिन? कम से कम 20-25 केजी। मसाला भी नाप के ही पड़ता है। अच्छा, सब चीज। अच्छा, ये सब मसाला खुद से पिसवाए हैं? हाँ। वैसे कितना मसाला एक बार में तैयार करवाते हैं? जैसे जितना मीट रहता है उसी के अनुसार मसाला हम लोग बनाते हैं। अच्छा। और जो कि डेली खत्म हो जाए। काफी दम लगाना पड़ रहा है? दम तो लगेगा ही, अगर दम नहीं लगेगा तो मटन उल्टेगा नहीं। निकाल रहे हैं, रस निकाल रहे हैं। हाँ, नहीं तो लोहिया भर के गिरने लगेगा। अच्छा, फिर इसको डालिएगा कब? फिर जब हल्दी एक अथी मीट निकालेंगे एक राउंड। हाँ, तब इसको डालेंगे। पकने में कितना टाइम लगेगा? अभी कम से कम इसमें आधा पौने घंटा और लगेगा। जीरा मरीच डाल रहे हैं आप? अच्छा, जिसको उस टाइम मुलाए थे उसके बाद इसको पीसे थे ना? हाँ, वही अब जा रहा है। हाँ। वैसे जीरा मरीच दोनों मिला के लगभग कितना चला गया इसमें? कम से कम 1.5-2 किलो। 1.5-2 किलो। अच्छा अंकल जी, आप मटन बनाने के लिए सीखे कहाँ से थे? यहीं पे सीखे थे। हाँ। अच्छा, पहले यहाँ पे क्या काम करते थे आप? पहले हम लोग थाली उठाते थे। अच्छा, धीरे धीरे मटन बनाने के लिए सीख गए? इसमें अब हल्दी डाल रहे हैं। अच्छा, हल्दी डाल रहे हैं ना? ये 60 केजी मटन में 60 चम्मच हल्दी भी जा रहा है। अच्छा, उतने मिर्ची? अच्छा, उतना ही मिर्च पाउडर जा रहा है। अच्छा, नमक जाएगा? अच्छा, ये 70-60 चम्मच नमक भी है? और भी कोई मसाला जाएगा? अब कुछ नहीं जाएगा, अब खाली गरम मसाला जाएगा। अच्छा, ये सारा मसाला जो है घर का ही होता है? घर का होता है। अब मसाला मटन जो है दोनों साथ में भुंजाएगा? हाँ। अच्छा, कलर वगैरह काफी अच्छा आ गया इसमें ना? हाँ, मीट निकाल रहे हैं, भुंजा गया है। अच्छा, थोड़ा निकाल के अब खाली करेंगे तो फिर उसको ढक्कन मारेंगे तो सीध जाएगा जल्दी। अच्छा, मतलब ये पूरा अभी इसमें अच्छे से नहीं पकेगा इसीलिए निकाल रहे हैं? हाँ, थोड़ा खाली कर रहे हैं। अच्छा, तब से देख रहे हैं इसमें से पहले ग्रेवी निकाले। हाँ। फिर ऊपर से जो तेल आया उसको निकाल लिए। भर जाता है ना लोहिया, काफी मेहनत से करना पड़ रहा है, कढ़ाई छोटा पड़ जा रहा है ना। हाँ। अब जो है मटन निकाल रहे हैं बाद में फिर बनाएंगे। यहाँ पे दिन भर में कितना चावल बन जाता है? चावल लगभग 2 बोरा बनता है, 50 केजी, मतलब 100 केजी चावल खपत होता है यहाँ पे। हाँ, डेली का। मटन का जो पीस का साइज है काफी बड़ा है ना? हाँ। जिस हिसाब से पैसा लेते हैं उस हिसाब से चीज भी देते हैं और पीस भी देते हैं। हाँ। अब जो है मटन इसमें पक जाएगा, काहे की लेवल जो है इसका डाउन हो गया है। हाँ। यहाँ के मेन ओनर आप ही हुए? आपका नाम? दीपक कुमार सिंह। दिन भर में कितना मटन यहाँ सेल हो जाता है? 70-72 केजी तक सेल हो जाता है। सेल हो जाता है 3 बजे तक? अच्छा, बस 3 बजे तक ही बेचते हैं, उसके बाद बंद?
नहीं बाय दी वे, जैसे मंगलवार थोड़ा धीमी चलता है तो 4-4:30 बजता है। अच्छा, भीड़ ही इतना रहता है ग्राहक का जो कि 3 बजे तक खत्म होना ही होना है। होना ही होना है। 55 कुर्सी है मेरे होटल में, वो फुल होके 1-3 जो मेरा ये चलता है। अच्छा, तो 55 फुल होके करीब 55 को खड़ा रहता है। 55 फुल हो जाता है, 55 आदमी खड़े भी रहते हैं। हाँ, कि जल्दी उठे हम बैठे हैं, इतना भीड़ होता है यहाँ। हाँ, दूर दूर से सफर के आते हैं खाने। अच्छा, अभी आप रुकिए देखिएगा, 11 बजे के बाद जो भीड़ होना चालू होगा जी, आप ग्राहक से ही पूछिएगा कि कैसा है मटन, कैसा बना है, ग्राहक ही बताएंगे आपको। हम लोग खुद ग्राहक से पूछते हैं क्या ठीक है, अच्छा है, तभी पैसा नहीं तो कोई पैसा नहीं। ये होटल कैसे आप खोले थे? ऐसे ही बेरोजगार थे, मन में आया कि चलो खोल लें। खोले 2 KG से स्टार्ट किए थे हम। अच्छा, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही गया। एड्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर कोई मटन खाने के लिए आएगा तो? पंचवटी लाइन होटल, बाका पुलिस लाइन के जस्ट सामने। पुलिस लाइन वो हुआ जी, हाँ, पुलिस लाइन के जस्ट बगल में ही, जस्ट सामने। पुलिस लोग भी आते होंगे खाने के? हाँ हाँ, बहुत शोर, मैंने बहुत पसंद करते हैं। पदाधिकारी सब भी जो यहाँ नहीं, जैसा जो बड़े पदाधिकारी हैं वो अगर नहीं आ पाते हैं तो पार्सल मंगवाते हैं। अच्छा, हाँ, और बहुत से जो भी मीट के शौकीन हैं, जैसे SI हुए, दरोगा जी सब, वो सब शौक से खाते हैं मीट यहाँ। अच्छा, इसको तोप दे रहे हैं ना? हाँ हाँ, आदमी इंतजार कर रहा है खाने के लिए। अच्छा, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, आज भी देख रहे हैं पूरा तगड़ा लगा रहे हैं, पूरा लगा रहे हैं, मटन को तोप दिए, ढक्कन जो है छोटा पड़ जाए, छोटा पड़ गया, इससे बड़ा ढक्कन नहीं है ना, इससे बड़ा नहीं आता। अच्छा, ये देखिए ढक्कन के आड़ पार जो है रोगन हो गया। अब ये खुला मटन का पिटारा, कलर देखिए भाई साहब क्या बेहतरीन आ गया है, और कलर आएगा। हाँ। अच्छा, लगभग कितना बार तोप देते हैं मटन? 4 बार। 4 बार मटन तैयार हो गया। मटन अच्छा, तैयार हो गया, उसको निकाल रहे हैं इसमें। हाँ। अच्छा, आप जो है पीस को छाट रहे हैं, ये कलेजी निकाल रहे हैं अलग से। अच्छा, कलेजी और नली वाला पीस। हाँ, कलेजी और राम। अच्छा, ये 2 पीस निकाल लेते हैं। हाँ, देने में सहूलियत होता है, कलेजी मांगा तो फिर। अभी तक चर्बी वगैरह नहीं गया? हाँ, अब चर्बी उबालेंगे। अच्छा, और फिर मीट में डालेंगे। अब जाएगा चर्बी? चर्बी अब जाएगा। अब कढ़ाई ये उतर जाएगा? हाँ, मीट तैयार हो गया। अच्छा, कढ़ाई उतर गया, काफी दम लगाना पड़ रहा है इसको उतारने में, पूरा वजन है ना। जैसे मटन बन के उतरा वैसे प्लेट लगना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। चावल अनलिमिटेड दिया जाता है? हाँ, जितना चावल जितना खा सकते हैं। अच्छा, उबलेगा तब बाद में दिया जाएगा इसको। अच्छा, इसको उबाल के ऐसे डाल दीजिएगा। हाँ, इसमें और भी कुछ डाले भी हैं? खाली नमक डाले हैं और कुछ नहीं, सिर्फ नमक गया है जी। तो सारे ट्रक ड्राइवर जो है यहाँ पे जो है मटन खा रहे हैं। हाँ। कैसा लग रहा है टेस्ट? एक नंबर टेस्टी मटन है। अच्छा, जैसा आप लोग ट्रक में बनाते हैं वैसा मटन लग रहा है खाने में? एकदम बिल्कुल। वैसे कब से आ रहे हैं यहाँ पे मटन खाने? अरे हम तो बहुत दिन से आ रहे हैं, जब इधर आएंगे तो यही खाएंगे मटन। अच्छा, भागलपुर से हर बार स्पेशल मटन खाने ही यहाँ आते हैं, पूरा घर के जैसा। और ऐसा टेस्ट अभी नहीं है यहाँ से लेके भागलपुर तक, ऐसा इसलिए यहाँ आना पड़ता है। अच्छा, नहीं टेस्ट में बहुत बढ़िया, मटन भी बहुत बढ़िया, ऐसा टेस्ट अभी यहाँ से आपको भागलपुर तक में नहीं मिलेगा, खा के देखिए। ग्राहक से पूछे ना, ग्राहक क्या जवाब दिया पूछिए, वो लोग कहाँ से आए पूछिए, इनसे पूछिए कहाँ से आए आप सर? भागलपुर से। भागलपुर से आए जी। कैसा मटन लगा? बहुत ही बढ़िया लगा। उसे भैया जो है पूरा दावा के साथ बोलते हैं कि हम ओरिजिनल मटन खिलाते हैं। ओरिजिनल ही है, इसमें कोई दुमत नहीं। अच्छा, अनुकंपा वाला पुलिस लाइन में। अच्छा। तो वो लोग यहाँ आता था पहले, मैंने आज से करीब सोचिए 4-5 बरस पहले। अच्छा। तो वो लोग बता रहा था कि आप 1-2 जुलाने पूरे बिहार में बोलिए ऐसा मटन कोई नहीं खिलाता है पूरा बिहार में। हाँ, भी अब तैयार हो गया। अच्छा, इसको अब डालिएगा मटन में। मटन में इसको डालना है। आ गया चर्बी। चर्बी, चर्बी को पकाने का सही तरीका यही है। हाँ। तो चलिए हम अपने लिए भी लगवाते हैं प्लेट। वैसे भीड़ ऐसा यहाँ पे लगा है, देखने से लग रहा है कि मटन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए हम भी अपने लिए प्लेट लगवा लेते हैं, यहाँ का मटन टेस्ट कर लेते हैं। जैसा नाम सुने थे सच में वैसा जो है यहाँ पे भीड़ भी लगा हुआ है, देख सकते हैं भैया लोग जो है
बारीकी से अंदर जा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। तो फाइनली मेरा मटन चावल लग के हो चुका है रेडी। ये देखिए पीस का साइज चेक कीजिए पहले, कितना बड़ा बड़ा पीस होता है यहाँ पे। ये देखिए जिस हिसाब से रेट है उस हिसाब से पीस का साइज भी है। तो इसको कर लेते हैं प्लेट को साइज, हल्का सा डालते हैं पहले ग्रेवी, और ग्रेवी का आप थिकनेस चेक कर सकते हैं कितना गाढ़ा गाढ़ा है। पानी जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं डाला गया है। ये देखिए रोगन, साइड से रोगन निकल रहा है। तो ये आ गया चावल ग्रेवी। ओ भाई साहब, जैसे जैसे मिला रहे हैं वैसे वैसे मुंह में जो है पानी आ रहा है। काफ़ी लाजवाब मटन बना है और धीमी आंच पे पूरा देहाती तरीका से मटन बनाया भी गया है। तो आ गया अपना चावल ग्रेवी। काफ़ी बढ़िया, ये आप पीस चेक कर सकते हैं। ये देखिए कढ़ाई उतना बड़ा था लेकिन फिर भी जो है भैया मटन निकालते थे, पलटते थे, फिर पकाते थे, फिर डालते थे। तो आप मटन चेक कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीका से पका दिया गया। ये चेक कीजिए। और टेस्ट की बात करें तो टेस्ट काफ़ी लाजवाब है यहाँ का। जैसा सुनने में आया था और जैसा कस्टमर यहाँ का रिव्यू दिए उस हिसाब से टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए पीस, तीखा उखा बिल्कुल भी नहीं है, बच्चा भी यहाँ का मटन खा सकता है। एकदम नॉर्मल, बिल्कुल तीखा नहीं है, खाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और मसाला की बात करें तो मसाला इसमें जो है सिर्फ हल्दी, नमक और मिर्च पाउडर, बस यही तीनों डाला गया था, बाकी इसमें कुछ भी नहीं डाला गया है। यहाँ पे जो है दो पीस मटन चावल का जो है दाम 180 रुपया लिया जाता है। थोड़ा सा कॉस्ट हाई है लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे मटन है, मटन का पीस है, उस हिसाब से रेट सही है। अगर आप भी हैं मटन के शौकीन तो एक बार आइए यहाँ पे मटन टेस्ट कीजिए और अपना फीडबैक शेयर कीजिए कि आपको मटन लगा कैसा। वैसे ये देखिए पीस काफ़ी गल गया है, गला दिए हैं भैया इसको। ये देखिए चेक कीजिए, थोड़ा सा दबाने के बाद ये चेक कीजिए, काफ़ी जो धीमी आंच पे पूरा चला चला के जो है पीस पूरा पका दी। ऐसे मटन बना था, काफ़ी लोग आ गए थे यहाँ पे खाने के लिए, बाइक वगैरह, फोर व्हीलर, ट्रक वगैरह सारा कुछ लगने लगा था। पहले से यहाँ पे लोग जो है वेट कर रहे थे यहाँ का मटन खाने के लिए। वैसे भीड़ तो काफ़ी होता ही है यहाँ पे, यह एक लाइन होटल है लेकिन लाइन होटल जैसा लगता नहीं है। तो चलिए करते हैं प्लेट को खत्म और आपसे मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे जगह पे नए टेस्ट के साथ।